हेलो, आज हम आपका वीडियो रिकॉर्ड करते हैं इस चैप्टर का, ठीक है? हाउ टू बिन अ फ्रेंड, हाउ टू बिन अ फ्रेंड। तो चैप्टर को मैं दो बार में खोलूँगा, पहले वर्ड मीनिंग नोट करूँगा, उसके बाद पढ़ाऊँगा, ठीक है? उसके बाद पढ़ाऊँगा, पहले हम वर्ड मीनिंग्स नोट करते हैं पहले पार्ट में, है ना? अ फ्रेंड इज प्राइस एज वेल। ज्वेल का मीनिंग पता होगा, वैसे ज्वेल का मतलब ज्वेलरी, जैसे ज्वेलरी है ना, तो मैं नहीं दिखा रहा। ही मेक्स यू स्माइल एंड एनकरेज यू टू सक्सेस। ही लेंड्स एन ईयर। लेंड्स मतलब आपको पता होगा धार देना, नहीं पता तो नोट कर लेना। शेयर्स योर जॉय। सॉरो, सॉरो मतलब सैडनेस। ऑल द पर्सन हार्ट टू यू। फ्रेंड थिंग्स अलाइक, अलाइक मीन सेम। मैं भी लिखाऊंगा सारी मीनिंग, बस हाईलाइट करते हो। टू विन अ फ्रेंड यू मस्ट पुट योर सेल्फ इन हिज शूज। पुट इन हिज शूज एक फ्रेज है पूरा। सी लाइफ फ्रॉम हिज परस्पेक्टिव। परस्पेक्टिव एक वर्ड है। समटाइम्स इट बिकम्स डिफिकल्ट बिकॉज यू आर रैप्ड अप इन योर ओन लाइफ। यू हैव योर ओन गोल्स एंड योर ओन वरीज। रैप्ड अप लिख लो, है ना? द सीक्रेट ऑफ डीलिंग विद पीपल इज गिविंग देम अ फीलिंग ऑफ इम्पोर्टेंस। ही हु कैन डू दिस हैज द होल वर्ल्ड विद हिम। ही हु कैन नॉट वॉक्स ऑन लोनली पाथ। ठीक है। अ चाइल्ड ग्रोज अप एंड लर्न्स टू असर्ट, असर्ट मतलब लिखेगा हिमसेल्फ इन लाइफ, बिकॉज ही हैज रिसीव्ड फ्रॉम हिज पेरेंट्स अ फीलिंग ऑफ इम्पोर्टेंस। बेस्ट फ्रेंड यू नॉट मीट ऑफन। द बॉन्ड बिटवीन टू फ्रेंड इज स्ट्रॉन्ग। इफ द बॉन्ड बिटवीन टू फ्रेंड्स इज स्ट्रॉन्ग, दे कैन एंड योर इवन लॉन्ग डिस्टेंसेज। दे फाइंड अ वे ऑफ बींग एंड टच डेस्पाइट बिजी स्केड्यूल्स। ट्रू फ्रेंडशिप नेवर फेड्स अवे, इन फैक्ट इट ग्रोज बेटर विद टाइम। ट्रू फ्रेंडशिप थ्राइव्स ऑन ट्रस्ट, इंस्पिरेशन, कम्फर्ट। द वॉइस ऑफ हेलो ओवर द फोन मेक्स द फ्रेंड अवेयर ऑफ द वैल्यू ऑफ फ्रेंड। इफ यू बिकम जेन्युइनली इंटरेस्टेड इन द पीपल दे विल लाइक यू स्मल एंड दैट वुड मेक अ गुड इंप्रेशन ऑफ योर सेल्फ। एड्रेस अ पर्सन बाय हिज नेम बिकॉज टू हिम दैट इज द स्वीटेस्ट एंड द मोस्ट इम्पोर्टेंट साउंड। एन ईजी वे टू बिकम अ गुड फ्रेंड इज बाई बींग अ गुड लिसनर। इनकरेज अदर्स टू टॉक अबाउट देम सेल्स। मेक द अदर पर्सन फील इम्पोर्टेंट एंड डू इट सिंसियरली टू मेक देम मेक पीपल लाइक यू इंस्टेंटली। ट्रू फ्रेंड्स आर नॉट अपॉर्चुनिटीज, अपॉर्चुनिटीज दे डोंट हेल्प बिकॉज दे हैव समथिंग टू गेन आउट ऑफ इट। ट्रू फ्रेंडशिप इज सेल्फिश। बेस्ट फ्रेंड सपोर्ट इवन वेन द होल वर्ल्ड डेजर्ट्स यू। इट इज नॉट गोइंग, इट इज नॉट इजी गेटिंग ट्रू फ्रेंड्स। इफ यू हैव इवन वन ट्रू फ्रेंड कंसिडर योर सेल्फ ब्लेस्ड। इन दिस वर्ल्ड ऑफ साइनिक्स, फ्लैटरर्स, फ्लैटरर्स, बैक स्टेबर, स्टेबर्स लिख लो सभी के मीनिंग। देयर आर जस्ट सम पीपल हु आर वर्दी टू बी फ्रेंड। The following are some effective ways to win friends. The only way to get the best of an argument is to avoid it. Always show respect for the other person's opinions and never tell him that he is wrong because of his ego. If you are wrong, admit it. The safety valve in handling complaints is to let the other man talk a great deal to ease out his feelings. If you wish another man to support your idea, Let other fellow feel that idea is his end, that would make him cooperate with you. Try honesty to see things from the other person's point of view and you will win a friend. Two friends do not desert each other when there is trouble. They face it together and accept and support each other even if it hurts the other individual's interest. Best friends accept each other with their positive and negative qualities. Nothing is hidden between true friends. They know each other's strengths and weaknesses. Here is the story of the true friend, story of the trust on friends. एक story start हो गई। ठीक है। A prince and a minister's son went out for hunting in the forest. After wandering, मतलब नहीं पता होगा आपको, वैसे तो बता चुका हूँ बहुत बार। द होल डे
They felt hungry and were exhausted. They found the cool shade of a tree and sat down to rest. Soon the prince fell asleep, but the Mr. Sun stayed awake and kept guarding. After a while, a snake slithered towards the prince, furiously hissing. It was about to bite him. However, the Mr. Sun quickly before he could order, but before he could kill it, the snake spoke up. Prince was my enemy in my previous life. I cannot rest until I suck his blood. The Mr. Sun wanted to save his friend's life. He was intelligent. He said, "If I give his blood to drink, will that quench your thirst?" Saying this, he knew that he was saving the life of Prince, because if the snake bites him for blood, it would at the same time spit the poison that was sure to kill his friend. The snake agreed. He was only after the prince's blood and not his life. The Mr. Sun made a cup out of a dry leaves and climbed upon the chest of the prince, who was still fast asleep. He pulled out his dagger and make a small slit around the side of his throat. The sharp cut suddenly shocked the prince awake. Now, seeing that his friend, the Mr.'s dagger, holding the dagger, he closed his eyes again. The Mr. Sun filled the cup with blood and offered it to the snake, which satisfied him, and he went his way. Meanwhile, he collected some medicinal herbs, bandaged the bound. A few hours later, the prince awoke and made preparations to proceed further. He said nothing and walked happily as if nothing had happened. Even after spending 2 days in the forest, the prince never reminded him of the event. It was the Mr. Sun who began to grow impatient as to why he was not questioned. He finally said, "Friends and masters, you know that I climbed upon you and slit your throat, drew blood and then bandaged you. You even saw me doing it. Actually, you have not questioned me or asked me for an explanation. You are a friend of mine," the prince answered. "I believe that whatever you have done must have been for my good. That is why I desire no explanation. I have boundless trust in you, that my friends shall never do any harm to me. This is the mark of true friendship. A friendship is one who can even become harsh to bring greater advantage to you. He who does not sulk or feel hurt by the actions of his friend is a true friend." बहुत अच्छी स्टोरी है सर, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आया। हाँ, कोई बात नहीं, मैंने समझा ही नहीं है, मैं तो सबको वर्ड मीनिंग नोट करा रहा था। अच्छा, तो मैंने अंडरलाइन किया है, एक बार इनको जरा नोट कर लो, मैं दिखाते आ रहा हूँ। स्क्रीन शॉट मतलब वीडियो पॉज करो, इस पेज के सारे के सारे वर्ड मीनिंग जो मैंने अंडरलाइन किया उनको नोट कर लो वीडियो पॉज करके, ठीक है? आई थिंक आपने कर लिया होगा। यहाँ पर करो, वीडियो पॉज करके करने सारे, आई थिंक आपने कर लिया होगा, ठीक है? इस पेज पर लिखो, यहाँ पर एक ही वर्ड है यहाँ पर, ठीक है? सारे आई थिंक आपने नोट कर लिया, मैं आपको इनकी मीनिंग लिखवाता हूँ। नोट कर लिया आपने, तो जरा लिखना स्टार्ट कर दूँ वर्ड इनके मीनिंग्स। लैंड्स, लैंड मतलब होता है उधार देना, लैंड मतलब क्या होता है उधार देना, और सर लैंड इन ईयर मतलब क्या होता है, पता है? लैंड्स लिखो, लैंड्स मतलब उधार देना, ठीक है? फिर होता है लेंस एंड ईयर, लेंस एंड ईयर का मतलब होता है सुनना, लेंस एंड ईयर मतलब होता है सुनना, लिसन।
लिसन है ना, या हियर लिसन, अभी हियर कुछ भी लिख सकते हो ठीक है। सॉरो मतलब सैडनेस, SADNESS। अलाइक मतलब सेम, SAME। हो गया पुट इन हिज शूज, पुट इन हिज शूज, पुट इन हिज शूज का होता है टू प्लेस योरसेल्फ इन हिज प्लेस, टू प्लेस योरसेल्फ इन हिज प्लेस, यानी अपने आप को उसकी जगह पर रखकर सोचना, अपने आप को उसकी जगह पर रखकर सोचना। लेकिन यहाँ पे समझ, टू प्लेस योरसेल्फ इन हिज कंडीशन, टू प्लेस योरसेल्फ इन हिज सिचुएशन, टू प्लेस योरसेल्फ इन हिज सिचुएशन। मीनिंग क्या है, मीनिंग बाद में समझ लेंगे अच्छे से, बिकॉज का ये लिखो इंटरप्रिटेशन लिखो पहले तो। पर्सपेक्टिव बात होता है नजरिया, से लाइफ करने से पर्सपेक्टिव, आप उसको लिख लो अप्रोच, APP ROACH अप्रोच है ना, इसको कॉमन आकर लिखो पॉइंट ऑफ व्यू, POINTOFVIWS, VIEWS है ना, व्यूज पॉइंट ऑफ व्यू है ना, पॉइंट ऑफ व्यू। रैपटॉप देखो, रैपटॉप मतलब होता है क्या बोलूँ उसको, समर्पण को क्या बोलते हैं, हो क्या बोलते हैं सो, डी से होता है डेडिकेटेड। हाँ रैपटॉप तो उसको डेडिकेटेड, डेडिकेटेड डेडिकेटेड है ना, डेडिकेटेड DEDI, dedicated। असर्ट लिखो, असर्ट मतलब होता है जोर देना, जोर देना मतलब क्या होता है, ही लव्स टू असर्ट, फोर्स करना लिखो, असर्ट में फोर्स करना, असर्ट में लिखो फोर्स है ना, FORSE। एंडियोर देखो, एंडियोर एंडियोर मतलब सहना, सहने का आपको बोल सकते हो टॉलरेट, TOLERATE, टॉलरेट बोल सकते हो, बियर ले सकते हो बियर, BEAR सहना, BEAR ठीक है, हिंदी में लिखना सहना। या फिर इसको और भी लिख सकते हो, यहाँ पे आप इसको ऐसे इंटरप्रेट कर सकते हो, एक्सपीरियंस, एक्सपीरियंस, EXPERIENCE, EXPERIENCE ठीक है। डैशवर्ड लिखो, डैशवर्ड मतलब बावजूद, डैशवर्ड मतलब क्या होता है, बावजूद किसी चीज के, बावजूद इंस्टेड ऑफ,
इंस्टेड ऑफ डेस्पाइट क्या देखो इंस्टेड ऑफ इंस्टेड ऑफ आई एन एस टी ई ए डी ओ एफ इंस्टेड ऑफ फिर पे लिख लो कम हो जाना हल्का हो जाना लिख दो उसके अंदर इसको इंग्लिश में इंग्लिश में कुछ नहीं लिखो उसको इसको लिखो हल्का हो जाना हल्के हो जाना है ना वीक हो जाना और ऐसे लिख सकते हो। नेक्स्ट आ गया थ्राइव ऑन टी एच आर आई बी ई थ्राइव तो फ्रेंड्स थ्राइव फ्रॉम प्रॉस्पर थ्राइव लिखो ग्रो ग्रो या प्रॉस्पर ग्रो लिख लो ग्रो तो फ्रेंड्स कैसे बढ़ती है तो तू फ्रेंड्स बढ़ते हो ट्रस्ट ट्रस्ट होगा तो बढ़ेगी इंस्पिरेशन होगा तो बढ़ेगी कॉन्फिडेंस होगा तो बढ़ेगी तो यहाँ पे मतलब इसका इंस्टेंटली लिखो क्या लिखा हूँ इंस्टेंटली में कहाँ गए कहाँ गए कहाँ गए यार इंस्टेंटली होता है इमीडिएटली इंस्टेंटली मतलब क्या इमीडिएटली तुरंत इमीडिएटली एट वंस कुछ लिख सकते हो ठीक है आप लिखो इसका मीनिंग स्पेलिंग लिखो आई डबल एम E D I A T E L Y immediately I double M E D I A T E L Y ठीक है अपॉर्चुनिस्ट का मैंने लिखो अपॉर्चुनिस्ट वन हु टेक बेनिफिट ऑफ अपॉर्चुनिटीज वन हु टेक बेनिफिट्स ऑफ अपॉर्चुनिटीज वो इंसान जो मौके का फायदा उठाता है तो वो इंसान जो अपॉर्चुनिटीज का फायदा उठाता है ऐसे इंसान को हम अपॉर्चुनिटिस्ट ऐसे इंसान को हम अपॉर्चुनिटिस्ट कहते हैं। डेजर्ट का लिखो डेजर्ट मतलब अकेले छोड़ देना डेजर्ट का मतलब क्या तो डेजर्ट मतलब वो होता है यहाँ पे डेजर्ट एज अ वर्ब यूज किया गया है यहाँ पे डेजर्ट कैसे यूज किया गया एज अ वर्ब तो आपको कैसा पता चला यहाँ पे वर्ब क्या है कि एस सी एस लगाते ही लगाते प्रेजेंट इंडेफिनिट में तो यहाँ पे डेजर्ट की स्पेलिंग के साथ एस लगा हुआ है तो मुझे पता चल गया भाई डेजर्ट मतलब वर्ब है डेजर्ट है ऐसा वर्ब डेजर्ट मतलब मेरा अकेले छोड़ दे रहा तो अकेले छोड़ने का कैसे हो गए गिव अप गिव अप लिखो लीव लिख लेना लीव है ना लीव और कॉमन आके एक बार लिख लेना जहाँ पर बहुत अच्छा शूट करेगा वॉक आउट चले जाना छोड़ पर चले जाना वो कह रहा है बेस्ट फ्रेंड जो होते हैं ना वो सपोर्ट करते हैं कब सपोर्ट करते हैं इवन मीन द होल वर्ल्ड वॉकआउट वो तब भी हेल्प करते पूरी दुनिया आपको छोड़ के चले जाती है ठीक है वॉकआउट सॉरी नया बड़ा है साइनिक यहाँ पे नया वर्ड सीखना पड़ेगा बेसिकली कुछ लोग ऐसे होते हैं जो आपकी बुराइयां करते हैं ऐसे बोलो को बोलता है साइनिक जो लोग आपकी बुराई करते हैं ठीक है लिखो इसको कैसे लिखोगे सामने पर्संस लिखो सीखा कि पर्संस हु थिंक्स बैड अबाउट यू बैड अबाउट यू लेटरर्स तो पता ही है चापलूस लोग जो आपको मक्खन लगाते हैं ठीक है तो उसको लिखो जस्ट अपोजिट ऑफ साइनिक जस्ट अपोजिट ऑफ साइनिक सर ये लोग बुराई करते हैं लोग आपके मुंह पे आपकी तारीफ करते हैं झूठी झूठी सर क्यों करते हैं आपसे तो इनको काम निकलवाना होता है मीनिंग आपको पता तो उसने उसका मीनिंग निकल जाना बस बता दो जस्ट का अपोजिट है
वैसे आपने लिख लिया होगा, बैक स्टेप पर लिखो चीटर, बैक स्टेप मतलब गद्दार धोखेबाज चीटर। धोखेबाज है ना चीटर। बाल लिखो रास्ता डोर वे, रास्ता रास्ता मतलब कि डोर वे गेट तक जाने का रास्ता, DOOR डोर वे WAY ठीक है। लिया बाउंड्री, बाउंड्री बाउंड्री मतलब तो घूमना इधर उधर भटकना घूमना। अगर आपको पता स्ट्रॉलिंग तो स्ट्रॉलिंग लिख लो स्ट्रॉलिंग, अगर स्ट्रॉलिंग नहीं पता तो लिखो गो हेयर एंड देयर, गो हेयर एंड देयर इधर उधर घूमना इधर उधर जाना, गो हेयर एंड देयर, गो हेयर एंड देयर ठीक है। एग्जॉस्टेड लिखो गॉट टायर्ड, गॉट टायर्ड टायर्ड लिखो टायर्ड, एग्जॉस्टेड थक जाना टायर्ड TIRED टायर्ड टायर्ड TIRED। सिलथर्ड, सिलथर्ड मतलब क्या होता है सांप कैसे चलता है, सांप के चालू क्या बोलते हैं रेंगना, तो रेंगने को बोलते हैं सिलथर्ड। क्रीपिंग CREEF रेंगना हिंदी में बोलते हैं रेंगना, और रेंगने को इंग्लिश में क्या बोलते हैं CREEP क्रीप है ना क्रीपिंग। तो वो क्रीपिंग करते करते वो यहाँ पर आ रहा था उसके पास, उसके पास एक वर्ड है फ्यूरियसली हिसिंग, फ्यूरियसली हिसिंग, फ्यूरियसली मतलब गुस्से में, फ्यूरियसली मतलब गुस्से में एंग्रीली है ना, हिसिंग मतलब उसको अटैक करना। तो देखो हिसिंग मतलब कहता है सांप, पता है सांप अटैक सीधे नहीं करता, सांप अटैक करने से पहले फुफकारता है, फुफकारना बोलते हैं उसको, सांप अलग ही साउंड निकालता है डराने के लिए, साउंड तो निकालता है डराने के लिए, सिर क्या करता है रोर करता धाड़ता है, सिर क्या करता है रोर करता धाड़ता है, डॉग क्या करते हैं बार क्या करते हैं, तो उसे इसलिए क्या करते हैं इसलिए हिसिंग करते हैं। तो उसको लिख लो एंग्री साउंड ऑफ स्नेक, एंग्री साउंड ऑफ स्नेक, एंग्री साउंड ऑफ स्नेक है ना। सक्का मतलब तो खून पी लेना, सक मतलब क्या दूध पीना खून पीना चूसना ठीक है। इसका इंग्लिश में कोई वर्ड नहीं है, इसका पोलिट है ना, इसका सुनने में और कुछ नहीं है, ये लिख लो आप ठीक है। क्वेंच, क्वेंच का पता होगा आपको, क्वेंच होता है क्वेंच एक वर्ब होती है, इसका मतलब प्यास बुझाना, प्यास बुझाना, टू सेटिस्फाई थर्स्ट, सेटिस्फाई थर्स्ट, टू सेटिस्फाई थर्स्ट है ना प्यास को बुझाना। स्पिट वाले को थूकना, स्पिट मतलब थूकना, अ काइंड ऑफ नाइफ, अ काइंड ऑफ नाइफ एक तरह का नाइफ, एक तरह का नाइफ सा बेसिकली होता क्या है, इसको हिंदी में बोलते हैं खंजर,
ठीक है, अ काइंड ऑफ नाइट बोर्ड नाइफ लिखो। स्लिट मतलब देखो होल, स्लिट मतलब होल, स्लिट मतलब होल है ना, होल HOLE। हार्स में देखो थोड़ा हार्ड, हार्स में तो थोड़ा कठोर, टफ स्टिफ, हार्ड और टफ कुछ लिख लो, हार्ड लिख लो टफ लिख लो। सल्क लिखो, टू गेट अ सैड, टू गेट अ सैड उदास होना, इसका एक मीनिंग होता है मचलना। मचलने को इंग्लिश में आप कुछ नहीं बोलते, इसको अगर लिख रहा हो तो आप इंग्लिश में लिख सकते हो, हिंदी में लिख सकते हो मचलना। ठीक है, वैसे आप लिख लो टू गेट सैड, सैड होना भी होता है मचलना भी होता है, दोनों यहाँ पर मीनिंग निकाल देंगे। ठीक है, ये वीडियो रिकॉर्ड से मैंने एक दिन पहले कर दिया है, बट आपको अपलोडिंग ये होगी मॉर्निंग में आज, तो आप संडे के 9 प्लस लेने से पहले इसको जब देख लेना, और 9 से पहले इसके कोई वर्ड मीनिंग्स हैं, सारे के सारे वर्ड मीनिंग्स हैं, लर्न कर लेना। क्या कर लेना? लर्न, ताकि मैं चैप्टर अच्छे से करा पाऊँ। ठीक है, ओवर करते हैं आज की वीडियो यहाँ पर।